संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो हम लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी समय मिलता है कोशिश करते हैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो दी जाए। और जून नज़दीक है, 4 महीने हैं, 70% भाग समाप्त करने का प्रयास करेंगे जून तक। और 70% पर उम्मीद करता हूँ कि GRF निकल ही जाता है, तो GRF के लायक आप हो जाएँ ये आशा है। थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हमारा भी सहारा रहेगा, दोनों को मिलकर के आप GRF पास करेंगे, ये उम्मीद बिठाए बैठे हैं हम। देखते हैं जून में क्या परिणाम आते हैं आप लोगों के। खैर, सांख्यिकारिका का हम अध्ययन कर रहे हैं आज। सांख्यिकारिका में जो पिछले वीडियो हमने सांख्यिकारिका को जाना था, सत्व रजस तमस इन तीनों के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पीछे के वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो इसी तरह से आ रहे हैं, विस्तृत में आ रहे हैं, इसलिए विस्तृत में ही समझाया जा रहा है, कोशिश हमारी विस्तृत में ही है। आज हम अव्यक्त के बारे में जो चर्चा की है, प्रधान के बारे में, प्रकृति के बारे में जो व्यवस्था दी है कि प्रकृति होती है या नहीं होती है, कैसे पता करेंगे, तो उसके यहाँ पर 5 हेतु बताए गए हैं। अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रकृति को हम जान सकते हैं। याद रखना, कौन सा कभी आ जाए कि अव्यक्त को या प्रधान को किस प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा 5 हेतुओं की सहायता से उसको अनुमानित किया जा सकता है, अर्थात उसका अनुमान लगाया। तो 5 हेतु कौन कौन से हैं, आज हम उनको जानेंगे। सांख्यिकारिका है अव्यक्त को या अव्यक्त के अस्तित्व को, चलिए ऐसे रहने, अव्यक्त को जानने के पांच हेतु, ठीक है, इसके द्वारा हम जान जाएंगे कि अव्यक्त होती है या नहीं होती, ठीक है। इसमें 2 श्लोक हैं और 2 श्लोक थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। बोला गया है इसमें, प्रथम श्लोक में, वेदानाम परिमाणात् समन्वयात् क्षक्तितः प्रवृत्तेश्च। कारण कार्य विभागाद विभागाद वैश्व रूपस्य, ठीक है। एक तो ये हो गई, इसमें जो बता दिए हैं वो 5 हेतु इसी में आ गए हैं, लेकिन इसी का एक पूरक श्लोक और है, उसको बिना जाने इसको समझना कठिन पड़ जाएगा। कारणम अस्तव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च, ठीक है। कारणम अस्ति व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च। परिणामतः सलिलवत प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात्। एक बात थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, वेदानाम परिमाणात् समन्वयाच् शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात् विभागात् वैश्य रूपस्य। कारणम अस्ति व्यक्तव्यम प्रवर्तते
त्रिगुणतः समुदाय चा परिणामतः सरलवत प्रति प्रति गुणा आश्रय विशेषात, ये इसमें बोला गया। मैंने बताया था इसको याद रखना है, अनुमान प्रमाण के द्वारा अव्यक्त की अव्यक्त के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है और वो सिद्ध करने के लिए पांच हेतु दिए जाते हैं। उन पांच हेतु में इसमें जो बोलते हैं वो ध्यान रखना, इसमें भेदानाम, इसमें दोनों कारिकाएं ली गई है ना, इसमें इसलिए अन्वय में दोनों कारिकाएं ली गई है, इसलिए मैंने इन दोनों कारिकाओं को एक साथ लिखा है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो इसमें बोला गया है भेदानाम कारणम ठीक है, ये बोला गया है भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। भेदानाम से तात्पर्य क्या है, जो भी कार्य के भेद हैं, कार्य के भेद क्या है, अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति होती है, प्रधान से बुद्धि तत्व की, बुद्धि तत्व से अहंकार की, अहंकार से फिर चीजें बदलती चली जाती है, जो भी इसमें कार्य दिए गए हैं अव्यक्त यानी प्रधान को छोड़ करके, प्रधान कारण है, बाकी जो भी कार्य हैं वो भेदानाम से यहां पर दर्शाया गया है। भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, यानी कि उन भेदों का जो कारण है वो अव्यक्त है, ये इसमें लाइन दी गई है, पंक्ति दी गई है। तो अगर यदि आपको उन भेदों की चर्चा नहीं पता है, भेदों के बारे में नहीं पता है, तो प्रथम यदि हमारी इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो पहली वीडियो आप अवश्य देखें, जिससे इन भेदों को पूरा आपको पता चल जाए। भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, यानी उन भेदों का जो कारण है वो अव्यक्त है, क्योंकि क्योंकि उसको सिद्ध करना आया, क्यों है कारण, तब इसमें बोला गया है कारण कार्य विभागाद प्रथम, क्योंकि पांच हेतु बताए हैं, कारण कार्य विभागाद, ये तो पहला हो गया ठीक है। कारण कार्य विभागाद, हम जानते हैं जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो कारण से ही होती है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कार्य को देख करके, इन वेदों को देख करके उस अव्यक्त के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, ये पहला कारण हो गया। इसमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, सीधा है कारण कार्य विभागात, ये पहला कारण हो गया कि कार्य जो है कार्य से ही उत्पन्न होता है और जिसके कारण हम अव्यक्त अर्थात प्रधान के अस्तित्व को मान सकते हैं, किस प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से। दूसरा अविभागाद वैश्य रूपस्य, वैश्य रूपस्य अविभागात, या गाद कुछ कर लीजिए, अवैश्य जगह वैश्य रूपस्य अविभागात, मतलब जो विश्व रूप है प्रलय अवस्था में वो कहीं ना कहीं समाविष्ट हो जाता है, समा जाता है, लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो किसमें विलीन होता है, कार हमेशा, क्योंकि विश्व रूप हम जानते हैं, विश्व जो भी होता है वो कार है, कार हमेशा अपने कारण में ही विलीन होता है, इस कारण से भी अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है ठीक है। दो हो गए वैश्य रूप से अभिभागात, तीसरा कह रहा है ये परिमाणात, परिमाणात कैसे, क्योंकि इसका जो कार्य होता है उसको परिमित होता है, वो सीमित होता है, व्यापक जो होता है वो कार्य होता है, तो इसके परिमित होने के कारण भी, कार्य के परिमित होने के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि इससे भी कोई व्यापक कारण अवश्य रहा होगा, इसलिए इसमें परिमाणात भी इसमें प्रयोग किया गया है एक कारण के रूप में। चौथा समन्वयात, चलिए इसको ले लेते हैं पहले, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, हम जानते हैं कि शक्ति ही, जिस कारण में शक्ति होती है कार्य को उत्पन्न करने में, वही कार्य का कारण होता है, जिसमें शक्ति नहीं होती उत्पन्न करने की, ये शायद हमने नमी कारिका में
बड़े अच्छे समझाया है, आप जाकर के उसको देख लें। शक्ति से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण में यदि शक्ति है किसी को उत्पन्न करने की, तो कार्य को उत्पन्न किया जाता है। तो कार्य अपने कारण की शक्ति से भी पहचाना जाता है। तो शक्तितः प्रवृत्ति, क्योंकि कारण की शक्ति से ये सारे भेद उत्पन्न हुए हैं, इस कारण से अव्यक्त का अस्तित्व है। पांचवा समन्वयात। समन्वयात के साथ तात्पर्य क्या है? समन्वय से, इसमें जो तीन हमने गुण जाने थे, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के समन्वय हो जाता है, होने से भी कारण के अस्तित्व का पता चलता है। अब दोनों में अंतर हो जाता है थोड़ा सा। समन्वय से तात्पर्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करें हम। यहां समन्वय जो दिया है वो सत्व रजस तमस तो दिया ही है, लेकिन उनके जो गुण हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। सुख, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, चलिए, सुख दुख और मोह, ये तीन गुण हमने जाने थे। यदि आपको इनके बारे में नहीं पता तो पिछली हमारी कार्यकाल का जो व्याख्या उसको देख लें। इन तीनों गुणों का कार्य में समन्वय हमको मिलता है, अर्थात ये तीनों गुणों से युक्त होते हैं। जो भी कार्य होंगे वो सुख युक्त होंगे, दुख युक्त होंगे, मोह युक्त होंगे। तो हमें इससे पता चलता है कि वो अव्यक्त यानी प्रधान से कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं, निकले हैं। इसलिए कारण की यानी अव्यक्त की सिद्धि समन्वय से भी हो जाती है। ये पांच हेतु दिए हैं, पांच कारण दिए हैं अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए। अनुमान प्रमाण के द्वारा हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रवर्तते हैं त्रिगुणतः समुदायाच्च, इसमें जो दी है कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की है। त्रिगुणतः प्रवर्तते हैं समुदायाच्च। अब त्रिगुणता क्या है और समुदायाच्च, इसमें जो दी है ना, बस सूत्र रूप में दी है चीजें, त्रिगुणतः और समुदायात। त्रिगुणता से तात्पर्य क्या है? त्रिगुणता से तात्पर्य है जब दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक प्रलय की अवस्था और एक सृष्टि की अवस्था। प्रलय की अवस्था में ये जो गुण होते हैं वो तो ना तो प्रलय की अवस्था में शांत रहते हैं, ना ही सृष्टि की अवस्था में। तो प्रलय की अवस्था में ये त्रिगुणात्मक कहलाती है, ये जो है अव्यक्त जो होती है वो त्रिगुणात्मक होता है, अर्थात सत्व रजस तमस से युक्त की अवस्था को त्रिगुणता बोला है, यानी त्रिगुण में इसमें प्रवृत्त होते रहते हैं, कोई ना कोई उसमें कारण चलता रहता है। समुदायाच्च और समुदाय के रूप में जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो ये तीनों गुण जो हैं वो समुदाय से इकट्ठे होकर के कार्य को उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? परिणामतः, कैसे? सलिलवत, यानी कि जो पानी होता है, पानी जब वर्षा का जो पानी है जब वो बरसता है तो वो अनेक रूप धारण कर लेता है। ताड़ में अलग रूप धारण कर लेगा, सीप में अलग रूप धारण कर लेगा, विष में अलग रूप धारण करना, विष में भी मान लेना वही है, जल ही है। जितने भी हम सात प्रकार के जो जानते हैं, खट्टा तीखा मीठा जो भी है, वो सब रस जो है वो सब पानी के ही रूप हैं, अलग अलग रूप जो धारण कर लेते हैं। वैसे ही प्रति प्रति गुण आश्रय विशेषात, अलग अलग गुणों से विशेषता होते हुए, विशेष होते हुए सत्व रजस तमस ही अनेक रूपों में कार्य के रूप में प्रवृत्त होता है। बस इसमें यही है, इतनी सी इसमें व्याख्या है। तो हमको याद रखना है अव्यक्त जो व्यवस्था दी है, भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, एक बार सार देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भेदों का जो कारण है, जो मूल कारण है, वही अव्यक्त है। जो भेद हैं, जो कार्य हैं, कार्य के भेद हमने जाने हैं, आप हमारी पिछली कार्यक्रम देखेंगे तब पता चलेगा, वो उसका कारण क्या है? अव्यक्त ही है। कारण कार्य विभागात, कारण कार्य के विभाग से, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं उनका जो कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है, इसलिए यहां पर इसके कारण से भी अव्यक्त को जाना जा सकता है। वैश्य रूपस्य अविभागात, और जो विश्व है उसका प्रलय अवस्था में अपने कारण में ही विलय हो जाना, इसके कारण से भी। परिमाणात, परिमाणात मतलब परिमित होना, सीमित होना, जबकि उसका कारण होगा वो व्यापक होगा, इसके कारण ही, क्योंकि जो चीज जिससे निकलती है वो हमेशा उससे बड़ी होती है, ये मान के चलना है आपको। तो यहां पर परिमाणात, उससे भी इसकी सिद्धि हो जाती है। शक्तितः प्रवर्तेश्च, जिस कारण में, जिसको कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उससे ही वो चीज उत्पन्न होती है, ये हम पहले कार्यक्रम में, नवी कार्यक्रम में बता चुके हैं।
तो शक्तितः प्रवृत्तेश्च, शक्ति के कारण ही उसकी प्रवृत्ति होती है, समन्वयात्, और वो समन्वय से ही व्यवस्था बनती है। कार्य के रूप में हम जानते हैं समन्वय सुख दुख मोह युक्त होता है, तो ये भी हम जान सकते हैं कि इसके कारण ये अव्यक्त है। तो पांच हेतु दिए, पांच हेतु में फिर इसके बारे में चर्चा की है, त्रिगुणता है, समुदायता, ये पानी के जल की भांति ये कार्य करता है और अलग अलग गुणों पर आश्रित होने से ही अनेक रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा समझाने के नहीं है, आपको बस ये याद रखने हेतु हमेशा ये पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये थोड़ी सी इसमें चर्चा की थी, ज्यादा इसको समझाने में सांख्य दर्शन में कुछ नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में सीधे सीधे बातें की गई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।